चलिए आपको सीधे लाइव लिए चलते हैं। निर्वाचन आयोग की पीसी हो रही है, जहां मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन यहां पर प्रेस वार्ता कर रहे हैं। हमें पता नहीं कि कितने लोगों ने बाय इलेक्शन में वोट किया, कितने ने पंचायत में वोट किया, कितने ने नगर पालिका में वोट किया। आज की स्थिति में 18 से 19 की एज ग्रुप में जो वोटर्स हैं वो 22,36,564। ऐसे कोई निर्देश नहीं है कि मैनिफेस्टो तैयार करने के लिए वो हमसे बात करने की आवश्यकता है। मैंने एक बार फिर से पूछ लो, सर नगरीय निकाय चुनाव में दिक्कत नहीं। पूरा पूरा प्रयास ये किया गया है कि एक तो कि परिवार के सभी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में एक ही जगह हो, उसमें ब्रेक नहीं हो, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, वोटर हेल्पलाइन ऐप, आपका जो हमारी जो वेबसाइट है, इन सब के माध्यम से मतदाता वोटर स्लिप तो बाद में आएगा, बट ऐप के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से मतदाता को चाहे खुद भी अपना नाम ढूंढ सकते हैं और देख सकते हैं उनका मतदान केंद्र कहाँ है। देखिए इसमें स्थिति ये है कि ये सही है कि कुछ मकान नंबर ऐसे हैं, वास्तव में मौके पे मान लीजिए 15 मकान हैं या 12 मकान हैं, लेकिन उनका मकान नंबर एक ही डला हुआ है और ये हिस्टोरिकली वहीं रह रहे हैं, बट वो अलग अलग लोग हैं, उसकी पहचान कराई गई, परीक्षण कराया गया, फर्जी मतदाता नहीं है, मकान नंबर वही डला हुआ है। मकान नंबर में संशोधन तभी होगा जब व्यक्ति आवेदन करेगा, तो वो हम उसको 1/1, 1/2, 1/3 नहीं कर पा रहे हैं अभी, प्रयास जरूर कर रहे हैं। सोशल मीडिया में भड़काऊ पोस्ट करने वाले और जो प्रलोभन देने वाले पोस्ट हैं, ऐसे मामले में क्या कार्रवाई करेंगे? नहीं, चुनाव की घोषणा के साथ ही आप जानते हैं कि हर जिले में और राज्य स्तर पर भी एक समिति का गठन हो चुका है ऑलरेडी, जिसको हम MCMC कहते हैं, मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी, उसके माध्यम से इन पे नजर रखी जाएगी और जो भी निर्देश उनका पालन कराएगा। सोशल मीडिया को लेकर के जो भी गाइडलाइंस है उनका पालन कराया जाएगा उस समिति के माध्यम से।